तो हो गया सामान पैक और आज तैयारी है इस स्वर्ग को छोड़ने की। स्वर्गीय हमारे तो स्वर्गीय है पूरा पहाड़, ये नीला आसमान, ये ऊंचा पहाड़ और ये सब कुछ है हम पहाड़ियों की शान। ये एक डायलॉग बन गया है आजकल, फिर सही है। निहारिका भी तैयार हो गई है और बच्चे हैं तैयार सामान उठाने के लिए। ये तीन बैग ये हैं और एक दो बैग और है। एक मैंने अपनी पीठे पहना हुआ है, एक अपनी पीठे पहना हुआ है मैंने। तो उधर निधि आ गई है सामान उठाने के लिए। मम्मी पापा घटना को तो कृष्णा भी आ गया, अर्जुन भी आ गया, नहीं कृष्णा भी आ गया और अर्जुन भी आ गया, भाभी भी आ गई, निधि भी आ गई, निधि की मम्मी भी आ गई। तो सब लोग पहुंच गए। यह सामान चलो फिर अब दिवाली में होगी मुलाकात। ठीक ओके प्रणाम। नमस्कार बोलो। नमस्कार बोलो निहारिका। मम्मी तो वहीं आ रही है। चाची और भाभी को बोलो बस हो गया। तो ऐसे हमको पूरे गांव का रास्ता से पार करके जाना पड़ेगा। ऐसे सामान लेके सब लोग धीरे लगे हैं रास्ते। मैंने भी एक बैग पकड़ा हुआ है बड़ा वाला। तो हमारे गांव में सड़क नहीं है ना, इसकी वजह से ऐसे ही पैदल जाना पड़ता है हम लोग को। अभी हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो हमारे यहाँ से ना करीब 4-5 रास्ते हैं आने जाने के। लेकिन हम लोग जब सामान ज़्यादा होता तो ये रास्ता प्रेफर करते हैं, क्योंकि ना इसमें चढ़ाई पड़ती है ना इसमें ज़्यादा डाउन है। ये रास्ता बिल्कुल पहले चलता है, तो इसकी वजह से हम ये रास्ता करते हैं पूरा फॉलो। ऊपर सूर्य देवता आ चुके हैं, मॉर्निंग के भी करीब बजे हैं 7:15। देखो आज का 7:15 बजे गर्मी के दिन में कितना प्यारा धूप निकल आती है। कल बहुत बारिश हुई थी शाम के टाइम, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बारिश हुई थी। लग रहा था कि बादल फट गया। रात में बंदर रहते हैं देखो जंगल में, और सुबह ऐसी होती है ये बंदर पहुंच जाते हैं सीधे गांव की ओर को। ये देखो कैसे लगे हैं रास्ते पूरे गांव की ओर को, पूरे गांव में जाएंगे और वहां की फसल पूरी कर देंगे तहस नहस। ये ऐसे तो पहुंच गए हम लोग रोड पे। बड़ी हालत खराब हो गई, इधर खड़ी हमारी गाड़ी। ओके मम्मी देखो रोने लग गई है। आज तो नहीं हुई तू, जो तो मैं गया था तो कहीं नहीं होती थी, आज बहू जा रही है तो रो रही है। चल कोई बात नहीं, 2-3 महीने बाद वापस तो आ रहे हैं हम लोग, क्या करना है। ठीक है ओके बाय। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं रानीखेत। अब गाड़ी से उतरना तो मना है, लेकिन यहाँ से हिमालयन व्यू आपको दिखा देता हूँ। वो पूरा त्रिशूल पर्वत और नंदा देवी और नंदा घुंटी चौकम्बा पीक, ये पूरी की पूरी दिखाई दे रही है यहाँ से। पूरा यहाँ से जो नज़ारा है रानीखेत से हिमालय का, वो है करीब आपके 210 डिग्री, मतलब 210 डिग्री तक आपको पूरा हिमालय की वाइट रेंज दिखाई देती है। लेकिन आज हम निकल रहे थे घर से तो मम्मी रो रही थी। जब तक जब पहले मैं आता था, मतलब पहले मैं कई बार घर आया तो उतनी बार मैं आया, मम्मी को मैंने कभी रोते हुए देखा नहीं है। पहले बचपन में कभी जब हम लोग जाते तब रोती थी, अभी ऐसे जब से बड़े हो गए तब से नहीं। शायद मुझे लगता है कि निहारिका की लड़ाई उनको ज़्यादा लग रही थी, तब ज़्यादा रो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन पापा बोले थे कि जब तू चले जाता है तब बैठ के रोती है। अब वो तो मम्मी जाने, उनकी दिल की करुणा जाने,
लेकिन आज कुछ ऐसा था कि वो मेरा रोड पे जब गाड़ी में बैठा देते तो रोड ना, और दिन तो खैर उनको आना रोड पे आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं आता था अपनी बाइक स्टार्ट करता था, निकल जाता था जहाँ को भी आना है मेरे को। लेकिन आज वो रोड तक आए थे सामान वामान छोड़ने के लिए, और हम लोग इस बार बहुत दिन करीब 15-16 दिन घर पर भी रहे, तो इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत उनको आदत ऐसी होगी थी कि ये लोग यहाँ हैं, इसलिए ऐसा भी होता है। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take. तो यहाँ इस एरिया में बादल फटा था, ये पूरा जो हिस्सा था ये पूरा का पूरा आ गया था रोड पे। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, देखो ये नदी दिख रही है, ये पूरी नदी पूरी दिखाई दे रही है यहाँ पे। और जो नीचे सिप्रा नदी बह रही है ना नीचे, वो नदी पूरी की पूरी ऊपर तक वाटर लेवल बहुत ऊपर तक था। ये नदी है पूरी ऊपर तक बह रही थी, वीडियो में हमने जैसे देखा था मतलब वैसे बता रहा हूँ, निशान दिख रहे हैं। लेकिन सामने देखो आप कितना अच्छा व्यू है, चारों घाटी है, बीच में नीला आसमान, बहुत दिन से मतलब ये नीला आसमान देखने को मिला है। तो ये है बाबा नीम कोहली का आश्रम यहाँ पे, जो काफी फेमस है पूरे वर्ल्ड में। इस बार भी कैची मेला नहीं होगा, 15 जून को जो होता है वो इस बार भी नहीं होगा, ऐसा अखबार में आ चुका है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भवाली, आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन का कैसा असर है भवाली के अंदर। पूरा का पूरा मार्केट भवाली का बंद है फिलहाल, एक सिंगल दुकान भी नहीं खुली हुई है यहाँ पे। अगर आपको पानी आने की जरूरत है तो आपको पानी भी नहीं मिलेगा कहीं पे पीने के लिए, इसलिए जब भी आप अगर ऐसे आ रहे हो मतलब उत्तराखंड की ओर आ रहे हो या उत्तराखंड से बाहर की ओर जा रहे हो तो अपना खाना वगैरह सब कुछ ले के चलो, क्योंकि आपको पूरे रास्ते पर कोई भी दुकान नहीं मिलेगी। जैसे हम लोग को भी कोई दुकान नहीं मिली है, लेकिन हम लोग अपना खाना और पानी लेके आए हुए हैं, और गाड़ी से उतरना भी अभी जायज़ नहीं है, उसे भी अपना गाड़ी के अंदर बैठे रहो अगर आपको मजबूरी में आना पड़ रहा है। हम लोग को मजबूरी में ट्रैवल करना पड़ रहा है इसलिए, वरना मेरे मन तो था नहीं बाहर छोड़ने का, लेकिन अभी क्या है कि नौकरी अगर करनी है तो जाना पड़ेगा, मजबूरी है। नियर का कैसा लग रहा है? नियर का बोल ही नहीं रही है, सुनने का बात उसे लगता है कि बुरा लग गया, बहुत ज़्यादा बुरा लग गया है। मैंने कहा था वहीं रुक जाओ, तुम रुकी नहीं पहाड़ में। तो हम पहुंच चुके हैं भीमताल, आज है पानी से लबालब। जब हम पिछले बार आए थे वापस तो सत्य पूरा सूख गई थी, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं था। आज बारिश की वजह से फिर भी ताल में पानी बहुत है। तो देखो ये जो झील हुआ करती थी अभी पूरे गर्मियों के टाइम पे, पूरी झील में पानी कम बोट ज़्यादा दिखाई देती थी, लेकिन आज की डेट में क्या है कोरोना काल की वजह से बोट वालों का भी बिजनेस काफ़ी ठप हुआ है, मतलब बहुत लोगों को नुकसान हुआ है। ऊपर इस पहाड़ के ऊपर पैरा ग्लाइडर उड़ते हुए दिखाई देते हैं पूरे चारों ओर, और आज भी नहीं है। यहाँ से गाड़ी करनी है इंटरचेंज, अभी तो हम पांडे जी की जायलों में आ रहे थे, अब यहाँ से इनकी मरादा लेके आएंगे, क्योंकि इसका जो परमिट है वो सिर्फ उत्तराखंड के अंदर है, और जो मराजो है वो ऑल इंडिया परमिट में है। तो यहाँ से हम लोग गाड़ी चेंज करेंगे, वो मराजो इनकी हल्द्वानी में खड़ी रहती है, तो अब यहाँ से करेंगे मराजो चेंज, जहाँ पर गाड़ी खड़ी है पहले वहाँ पर जाएंगे, फिर वहाँ से गाड़ी एक्सचेंज करेंगे और यहीं लंच करेंगे इन्हीं के घर पर।
उसके बाद जाएंगे से लखनऊ के। तो फिलहाल पांडे जी की मम्मी ने बनाया था दाल चावल, वहाँ हमने हल्द्वानी में भरपेट खाया खाना, वैसे हम लेके भी आए थे उसे, बाद में यहीं रास्ते में खाएंगे। निहारिका सो गई है, अब पांडे जी और पंत जी दोनों चलाएंगे गाड़ियाँ लगातार, क्योंकि लखनऊ की डिस्टेंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा है और इनको वापस भी आज ही आना है, तो इसलिए वो दोनों के दोनों आते जाने के लिए गाड़ी चलाते रहेंगे। तो फिलहाल हम लोगों ने अभी उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस किया है, उत्तराखंड बॉर्डर क्रॉस करने में कोई भी चेकिंग नहीं हो रही है यूपी की ओर को, लेकिन जब आप वापस आओगे तब आपकी यहाँ पर बॉर्डर में जरूर चेकिंग होगी, और यहीं पर ही आपका RT-PCR और एंटीजन टेस्ट बॉर्डर पर हो जाएगा, ये वाले फुलबट्टा वाले बॉर्डर पर जो किच्छा के पास है। तो हम अभी पहुँचे हैं भोजीपुरा के करीब, अभी यहाँ से बरेली की डिस्टेंस है करीब 50 किलोमीटर और वहाँ से लखनऊ होगा करीब 250 किलोमीटर के करीब होगा, तो मतलब हम लोग को ऑलमोस्ट 4-5 घंटे लगने वाले हैं वहाँ तक पहुँचने में। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together. We'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find the words to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. तो बरेली से लेके सीतापुर तक बहुत भयंकर नींद निकाली है निहारिका ने भी और मैंने भी, ये तो अभी तो सोई है खैर। तो अभी हम पहुँचे सीतापुर से थोड़ा आगे करीब सीतापुर से लखनऊ वाले वे पे 22 किलोमीटर आगे आगे, अभी लखनऊ की जो तो डिस्टेंस है वह है 56 किलोमीटर। और कुछ ऐसा है सामने का नज़ारा, तो आज वैसे रास्ते में ट्रैफिक है लेकिन इतना नहीं है जितना होता है रास्ते में लॉकडाउन की वजह से, ऑलमोस्ट सारी मार्केट पूरी बंद ही है, क्योंकि आज संडे है, संडे के दिन यूपी में फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे 4 दिन जो होता है वो कोरोना कर्फ्यू लगता है, लेकिन भीड़ यहाँ वैसी है सड़क पे भी और वैसे भी, और लोग अभी भी यहाँ पे विदाउट मास्क घूम ही रहे हैं ज़्यादातर गाँव वाँव साइड में, तो जो भी है हमने क्या करना है, गाड़ी के अंदर बैठ के हम सीधे अपने घर के बाहर ही उतरेंगे। तो निहारिका आज पहली बार जा रही है लखनऊ वाले घर पे, सीधे ऊपर को ना, हाँ सीधे ऊपर को, तो लखनऊ शहर में होगी ये एंट्री। ये अभी हम पहुँचे हैं बाहर निकलना होगा मुंसीपुलिया, यही रास्ता सही है, वह रास्ता अब घबरा वो रास्ता वो बहुत बेकार है, वीडियो टूटा हुआ है। तो हम पहुँच गए हैं लखनऊ शहर में मुंसीपुलिया, मुंसीपुलिया चौराहा था नीचे, अब आ गया इंदिरा नगर, अभी हमको तो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो करनी है 12 किलोमीटर, और निहारिका जाएगी आज अपने नए घर पे फिर से। तो ये रास्ता था दौराहाट से लखनऊ का करीब 710 किलोमीटर का रूट पड़ा और हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, उसके बाद ये वीडियो में एक दिन बाद बना रहा हूँ, हम लोग काफ़ी थक चुके थे, सोचा था कि कुछ मतलब अलग टाइप का लास्ट में करेंगे लेकिन इतनी ताकत नहीं बची। तो ये रास्ता था पूरा उत्तराखंड से लेके उत्तर प्रदेश तक। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट में जरूर करना, मिलते हैं फिर से नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।